हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग की। हम देखेंगे एक बिल्डिंग में कितने टाइप्स की फ्लोरिंग होती है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिसको हम एज अ फ्लोरिंग अपनी बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में मीन्स कि फ्लोरिंग क्या होता है और हमें क्यों ज़रूरत है फ्लोरिंग की। तो मेरे लिए फ्लोरिंग क्या है, एक फाइनल सरफेस है, एक फिनिश लेवल है जो हम अपने बिल्डिंग्स में प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये एक फाइनल लेवल है तो इसमें एक स्मूथनेस हमारी होनी चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लोग आएंगे उसके अंदर बिल्डिंग में, एक्सेस करेंगे फर्नीचर वगैरह। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम क्या होता है, जो फ्लोर होता है वो अनइवन होता है, अंडुलेंस होते हैं उस फ्लोर में। तो उस अनइवननेस को ख़त्म करने के लिए हमें एक फिनिश और प्रॉपर स्मूथ सरफेस चाहिए, तो दैट इज़ फ्लोरिंग। तो हमें वो ज़रूरत रहती है अपनी बिल्डिंग के अंदर। जब भी हम अपनी फ्लोरिंग डिसाइड करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको नज़र में रखते हुए अपनी फ्लोरिंग को डिसाइड करते हैं। मींस कि क्या उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी क्या रहेगी, जो भी हम मटेरियल हम अपनी फ्लोरिंग के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, हम उसको देखते हैं। इसके बाद उसमें कितना फायर रेजिस्टेंस है कि वो कितनी फायर को ले पाता है या नहीं ले पाता है, बियर कर पाएगा, तो दैट इज़ फायर रेजिस्टेंस। इसके बाद एक साउंड इंसुलेशन फैक्टर रहता है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें साउंड प्रूफिंग मटेरियल चाहिए होता है, तब हम वहाँ पर उसको साउंड इंसुलेशन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फ्लोरिंग में। डैम्प रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पर थोड़ी सी नमी आती है, सीलन आती है, पानी वानी का जहाँ पर भी एरिया रहता है, तो डैम्प रेजिस्टेंस वहाँ पे फ्लोरिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही थर्मल इंसुलेशन रहता है, जहाँ पर हमें थर्मल इंसुलेट कर रहा है कोई भी, अगर ऐसा एरिया है रूम है जहाँ पर हम एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, तो हम उस एरिया में थर्मल इंसुलेशन को प्रोवाइड करेंगे सो दैट बाहर की हीट अंदर ना आए। तो एक तरह से हमारा हीट रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ें बन जाए वहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं अपनी फ्लोरिंग को सिलेक्शन के लिए। ओके, इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोरिंग, मींस कि फ्लोरिंग तो हम कर रहे हैं, उसके क्या कंपोनेंट रहते हैं फ्लोरिंग में। तो इसको सिंपल सा दो तरह की इसमें फ्लोरिंग है, एक रहेगा सब फ्लोर, एक रहेगा फ्लोर कवरिंग। अब इन दो चीज़ को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मार्बल अगर हमें अपने फ्लोर पर लगाना है, लेट्स से कि हमें मार्बल लगाना है, तो जो एक मार्बल स्टोन है तो दैट इज़ फ्लोर कवर। तो फाइनली हमने मार्बल को ऊपर रख दिया फ्लोर पर, तो वो हो गया हमारा फ्लोर कवरिंग। ठीक है, तो मार्बल को हम डायरेक्टली ऐसे ही ग्राउंड पर नहीं रख सकते, उसके लिए हमें एक बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें सीमेंट का बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो भी सीमेंट का बेस रहेगा उस मार्बल की टाइल के नीचे, तो दैट इज़ सब फ्लोर। ओके, तो जो भी हम एक बेस फ्लोर प्रोवाइड करते हैं तो वो हो गया हमारा सब फ्लोर, और उसके ऊपर जो हम फिनिश दे दिया हमने, दैट इज़ फ्लोर कवरिंग। तो फ्लोर कवरिंग हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मार्बल है, हम बहुत सारे स्टोन्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और हर मटेरियल के लिए उनका डिफरेंट एक फ्लोर बेस प्रिपेयर होगा। तो जो भी हम अपना मटेरियल चूज़ करें फ्लोरिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि इसका फ्लोर बेस कैसे बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फ्लोरिंग्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मड फ्लोरिंग की। तो बहुत सिंपल सा फ्लोरिंग है और बहुत चीप और इकोनॉमिकल फ्लोरिंग है ये। आपने बहुत जगह देखा होगा, मे बी विलेजेस एरियाज में ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि बहुत इकोनॉमिक है तो हर कोई इसे अफोर्ड कर लेता है, और जनरली हर कोई इसका लगा लिया करता था विलेजेस में। अब तो क्या है कि विलेजेस में भी मॉडर्न मटेरियल्स का यूज़ हो चुका है, वो कोई बात नहीं। मड फ्लोरिंग में हम सिंपल मड को यूज़ करते हैं, जो अर्थ रहती है तो उसको मड को यूज़ करते हैं, और मड को हम मिला देते हैं समटाइम्स काव डंग के साथ। ठीक है, जो भी काव डंग रहता है उसके साथ हम मिक्स करके एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, और ये हो गया उसका फाइनल जो एक फ्लोर लेयर जो रहता है, हम उसके ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका बेस फ्लोर रहता है, जो फ्लोर बेस रहेगा, उसके हम रैमिंग करेंगे, अर्थ रैमिंग होता है, और ब्रिक ब्लास्ट वगैरह डाल के फाइनल हम एक अच्छा सा रैमिंग प्रोसेस तैयार करेंगे। इसमें क्या होता है, अर्थ जब हम उसका बेस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्रैक्स वगैरह ना डेवलप हो जाएं, तो इसीलिए एज अ रेनफोर्समेंट हम उसमें स्ट्रोज ऐड कर देते हैं, जितने भी वीट की और राइस की जो स्ट्रोज होती है हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसको हम ऐड कर देते हैं एज अ रेनफोर्समेंट मटेरियल, हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मड फ्लोरिंग है, काफ़ी पॉपुलर मड फ्लोरिंग है, सभी ने आई होप देखा ही होगा, जो मिट्टी की फ्लोरिंग रहती है। नेक्स्ट एक ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग सिंपल, इसमें क्या रहता है कि जो ब्रिक रहती है उनको हमें बिछाना होता है, तो ब्रिक को ले डाउन करना होता है, तो दैट इज़ ब्रिक फ्लोरिंग। अब ब्रिक फ्लोरिंग में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स रहते हैं जो हम फॉलो करते हैं, और ये बस डिज़ाइन एलिमेंट है जो पैटर्न्स हैं ब्रिक फ्लोरिंग के। तो कौन सी डिज़ाइन जिस भी पर्टिकुलरली क्लाइंट को अच्छा लगता है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि ये वाला डिज़ाइन हमें चाहिए अपनी फ्लोरिंग में। लेकिन ब्रिक फ्लोरिंग की क्वालिटी ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस है, हीट फायर रेजिस्टेंस है,
तो ऐसे एरिया जहाँ पे डायरेक्टली फायर से कांटेक्ट है, तो वहां पर अगर हमें फ्लोर बेस प्रिपेयर करना है तो वहां पर हम अपनी ब्रिक फ्लोरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रिक पैटर्न्स हैं, हम लेइंग पैटर्न्स हैं, तो ये आप वीडियो पॉज करके इस इमेज में देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रिक पैटर्न हैं जो कि पॉपुलर हैं ब्रिक फ्लोरिंग में। ये कुछ और पैटर्न्स हैं इमेजेस के साथ, तो ये भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग। बेसिकली ये क्या है, एक स्टोन फ्लोरिंग है। तो यहाँ पर कौन सा स्टोन यूज करते हैं, यहाँ पे एक सैंड स्टोन, एक टाइप का सैंड स्टोन होता है, तो उसे हम फ्लैग स्टोन कहते हैं। तो उसका एक टुकड़े हैं जो अनइवन पीसीस रहता है, तो ये 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस जनरली हम लेते हैं, और पेवमेंट्स में इसको यूज किया करते हैं। जितने भी गार्डन के पेवमेंट्स हैं आपने देखा होगा, तो इस टाइप से इस फ्लोरिंग को यूज करते हैं, दिस इज फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। और इसके नीचे ऑब्वियसली हम पीसीसी बेस प्रिपेयर करते हैं, उस पीसीसी बेस के ऊपर इस फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग को प्लेस करते हैं, मतलब स्टोन को प्लेस करते हैं। तो दिस इज फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। तो ये कुछ फ्लैग स्टोन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कि मतलब कितने टाइप के फ्लैग स्टोन अवेलेबल हैं, तो उनके कुछ कोड्स हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इनके पैटर्न्स अलग होते हैं, कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। इसके बाद है सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्लोरिंग है और बहुत सिंपल फ्लोरिंग है ये, और काफ़ी कॉमनली आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों में। सिंपल क्या करते हैं, सीमेंट का पेस्ट ऐड कर देते हैं फ्लोरिंग में, और वो काफ़ी यूजफुल रहता है, काफ़ी लंबे टाइम तक ड्यूरेबल फ्लोरिंग है ये, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई इश्यूज नहीं आते हैं कि जो एडवांटेज हैं टाइल और मार्बल्स में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बहुत सिंपल है, इकोनॉमिकल है, उसको काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं। तो फाइनल फ्लोर लेयर में क्या करते हैं, सीमेंट का पेस्ट, जो भी सीमेंट का एक नॉर्मल पेस्ट है उसको ऐड करते हैं, जिससे ये ग्लोसीनेस है जो भी हम देख पा रहे हैं इमेज में, तो एक ग्लोसीनेस आ रही है। और इसके बेस में हम पीसीसी का बेस प्रिपेयर करते हैं, या ब्रिक ब्लास्ट का भी हम बेस प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग है, और ये डिफरेंट कलर्स में आता है, ऐसा नहीं कि जनरली सिर्फ ये ब्लैक ग्रे कलर में आएगा। हम अगर हमें सीमेंट में कलरिंग ऐड करते हैं, जैसे कि ये रेड कलर का फ्लोर है, तो हम इसमें डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिलते हैं, रेड, येलो, वाइट, ब्लू, तो डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है मार्केट में, हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने जब फ्लोर प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद है टेराजो फ्लोरिंग। ये बहुत ज़्यादा कॉमन फ्लोरिंग है, और आई होप कि आपने ज़रूर देखा होगा, ये भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके घर में भी ये टाइप की फ्लोरिंग हो। तो ये पॉपुलर फ्लोरिंग क्या है, इसमें मार्बल चिप्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने छोटे छोटे इस इमेज में देख रहे हैं, दीज आर मार्बल चिप्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेकोरेटिव एलिमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते थे, अब इसका भी ट्रेडिशन थोड़ा सा डाउन हो चुका है अब, और हम ज़्यादा टाइल्स और मार्बल की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन टेराजो फ्लोरिंग काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिंग है। तो इसमें सिंपल क्या करते हैं, जितना भी सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग है जस्ट लाइक वैसा ही, इसके साथ हम मार्बल चिप्स को ऐड कर देते हैं। और मार्बल चिप को जो ऐड करते हैं तो उसका प्रोपोर्शन होता है 1:2, यानी कि 1 यूनिट सीमेंट होती है और 2 यूनिट उनके मार्बल चिप, मार्बल के जो चिप रहते हैं उसको हम डालते हैं। हो सकता है कि आप सिंगल कलर मार्बल चिप इसमें ऐड करें या मल्टी कलर मार्बल चिप ऐड करें, तो डिपेंड करता है कि क्या आप अपना डिज़ाइन एलिमेंट रखना चाहते हैं फ्लोरिंग के टाइम, तो इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। तो कुछ ऐसी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो इस इमेजेस में हम देख सकते हैं, और जैसे कि सिंपल एक सिंगल कलर का, ये मल्टी कलर के मार्बल चिप है, तो ऐसा मार्केट में अवेलेबल है टेराजो फ्लोरिंग्स के साथ। उसके बाद है मोजैक फ्लोरिंग। मोजैक फ्लोरिंग इसके टर्म्स में पता चलता है, मोजैक पैटर्न पे फ्लोरिंग है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ टाइल्स के टूटे हुए या मार्बल के टूटे हुए पीसीज, नॉट चिप्स, यहाँ पर हम थोड़े से बड़े पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो थोड़े बड़े पीसीज होते हैं उसको हम अरेंज करते हैं पीसीसी फ्लोरिंग के साथ, ठीक है। तो या तो मे बी लाइन सुर्खी हो सकता है या सिंपल एक पीसीसी मोर्टार हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या अपना बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मोजैक का मतलब ये हुआ कि जितने भी ये हमारे पीसीज हैं ये एक अलग पीस है, टाइल का एक अलग मोजैक हम बना सकते हैं, तो डिफरेंट कलर के टाइल्स हैं उसका हम मोजैक बना सकते हैं, या मार्बल्स का मोजैक बना सकते हैं, मार्बल ग्रेनाइट मिक्स करके हम मोजैक बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि कंस्ट्रक्शन के टाइम जो भी पीसीज थोड़े से बच गए मार्बल के, तो उसको हमने एक फ्लोर में डाल दिया, तो हमारा एक फ्लोर बन गया,
तो दिस इज मोजैक फ्लोरिंग। तो कुछ डिफरेंट पैटर्न हैं जो इसमें फॉलो करते हैं, प्योर रैंडम पैटर्न हैं, इसमें कोई ऐसा डिज़ाइन पैटर्न नहीं है। तो जो भी जहाँ पर भी टाइल लगती है उसको हम लगा देते हैं, तो एक कंप्लीट रैंडम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है मोजैक फ्लोरिंग में। इसके बाद कुछ स्टोन फ्लोरिंग अवेलेबल है मार्केट्स में, यानी कि स्टोन्स को हम सिंपल सा प्लेस करते हैं और काफ़ी फाइन तरीके से स्टोन को प्लेस करते हैं। तो कुछ डिफरेंट स्टोन फ्लोरिंग्स हैं जो कि आप मे भी जानते हैं, दैट इज मार्बल स्टोन, बहुत पॉपुलर है मार्बल स्टोन फ्लोरिंग, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन, स्लेट स्टोन और सैंड स्टोन फ्लोरिंग है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फ्लोरिंग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि ये मार्बल स्टोन फ्लोरिंग है तो काफ़ी लस्चरस रहता है, काफ़ी शाइन इसमें देखने को मिलती है। जनरली वाइट कलर का हमें मार्बल देखने को मिलता है, लेकिन ब्लैक मार्बल भी होता है और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वे में चला जाता है, लेकिन यस मार्केट में अवेलेबल है। ये जितनी भी स्टोन फ्लोरिंग है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव मेथड्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम फ्लोरिंग सेक्शन में आता है। इसमें जो बिल्डिंग का फ्लोर है काफ़ी अच्छा फिनिश लुक यहाँ पर प्रोवाइड मिलता है। मार्बल के बाद ये कोटा स्टोन है, तो ये 2x2 के कोटा स्टोन इसके पीसीज अवेलेबल रहेंगे, तो हम उसको लगा सकते हैं। काफ़ी ड्यूरेबल होता है, जनरली पार्किंग एरियाज में यूज़ करते हैं या नॉर्मल अपने फ्लोरिंग्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कोटा स्टोन। इसके बाद ग्रेनाइट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये स्टोन रहता है, काफ़ी ड्यूरेबल है, ज़्यादा स्ट्रेंथ को बियर कर पाता है, तो ये है ग्रेनाइट स्टोन। इसके बाद ये स्लेट है, तो स्लेट भी एक स्टोन रहता है, टाइप ऑफ स्टोन, तो उसको हम यूज़ करते हैं बाथरूम्स वगैरह में या फिर पेवमेंट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्लेट को। एक है सैंड स्टोन फ्लोरिंग, तो यहाँ पर भी एक और टाइप का सैंड स्टोन है जो हम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन ये काफ़ी फाइन कटा हुआ है। जो हमने पहले देखा था फ्लैग स्टोन, वो भी एक सैंड स्टोन है, लेकिन वो एक अनइवन है और जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उस वेस्ट को लेकर हम वहाँ पर रीयूज़ कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम प्रॉपर सैंड स्टोन की फ्लोरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी फाइन रहता है और बहुत इवनली इसके पीसीज हम बना कर इसको स्टोन में फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं। तो ये रहा सैंड स्टोन फ्लोरिंग। मार्बल फ्लोरिंग के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मार्बल्स में अवेलेबल है, मतलब सिंपल प्लेन मार्बल भी होता है लेकिन जनरली मार्बल के अंदर ही हेयर्स रहते हैं, तो कुछ पैटर्न्स हमें मिलते हैं मार्बल में। तो फेमस पैटर्न, उनके नाम इस इमेज में है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं मार्बल फ्लोरिंग। ऐसे ग्रेनाइट फ्लोरिंग का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट ब्लैक एक फ्लोरिंग है, तो प्योर ब्लैक मार्बल होता है और इसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न्स रहते हैं, जैसे ब्लैटिक ब्राउन, काफ़ी क्वाइट पॉपुलर पैटर्न्स हैं, ये सबने देखे होते हैं, अलग अलग जगह पर हम जाते हैं तो ये पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रेनाइट फ्लोरिंग के। मूविंग ऑन टू टाइल फ्लोरिंग, अभी काफ़ी पॉपुलर टाइल फ्लोरिंग है, ये प्रीमियम सेक्शन में आता है, लेकिन जो स्टोन फ्लोरिंग से थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव रहता है ये। ठीक है, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन जो प्रीमियम मार्बल ग्रेनाइट से रहता है ना, तो उससे थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव रहता है और जो फिनिश है, जो शाइन है, वो भी काफ़ी अच्छी देता है। तो टाइल फ्लोरिंग में छोटे छोटे टाइल्स की पीसीज रहते हैं, उसको हम अपनी फ्लोरिंग पर स्प्रेड करते हैं, ले डाउन करते हैं। तो दो तरह की जनरली टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं, एक रहती है सेरेमिक टाइल और एक रहती है वर्टिफाइड टाइल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट सेरेमिक टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स क्या होते हैं, क्ले को बेक किया जाता है, जो सिंपल क्ले रहती है क्ले को बेक किया जाता है और बेकिंग के टाइम ही इसके ऊपर एक सेरेमिक की कोटिंग लगाई जाती है। सेरेमिक कोटिंग आप देख सकते हैं जो वॉश बेसिन में या टॉयलेट सीट पर जो एक वाइट कलर की बहुत शाइनी लेयर रहती है, ठीक है, तो वो सेरेमिक लेयर है। तो वो सेरेमिक लेयर को हम इस पर अप्लाई करते हैं क्ले पर, तो ये सेरेमिक टाइल्स बनती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ग्लेजिंग रहता है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग रहती है और ये प्योर आर्टिफिशियल ही है, राइट, सिंथेटिक है ये। ये अभी तक जो हम बात करते हैं नेचुरली अवेलेबल स्टोन थे, लेकिन अब यहाँ पे सिंथेटिक टाइल्स हैं ये सारी, तो ये रहता है सेरेमिक टाइल्स। वहीं जो वर्टिफाइड टाइल्स रहती हैं, ये भी जस्ट लाइक सेरेमिक टाइल रहती है, लेकिन ये और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको बेक किया जाता है और ज़्यादा इसमें लक्चरस या फिर शाइन ऐड किया जाता है, ठीक है, तो ये बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहता है और जो भी टाइल्स हैं ये वाटर रेजिस्टेंस रहती हैं। ओके, दोनों में बस सिंपल सा डिफरेंस ये है कि सेरेमिक टाइल्स नॉर्मल बेकिंग प्रोसेस रहता है, लेकिन वर्टिफाइड टाइल्स को सेरेमिक टाइल्स से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, तो इसमें थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और ज़्यादा लक्चरस इसमें आ जाता है वर्टिफाइड टाइल्स में। इसके बाद वुडन फ्लोरिंग काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ट्रेडिशनल फ्लोरिंग है ये, आप देखेंगे बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में वुडन फ्लोरिंग ज़्यादा प्रेफर किया करते थे, लेकिन इन इंडिया जनरली
हमें बहुत कम वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इंडिया में इतना इजीली और कॉमनली टिम्बर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्टोन्स वगैरह हम ज्यादा देखते हैं क्योंकि स्टोन बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, टिम्बर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। और इसका एक और रीजन ये है कि इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो वुडन फ्लोरिंग को प्रेफर करे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हिली एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है वहां पर हम वुडन फ्लोरिंग को अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल जो प्रॉपर्टी रहती है कि हीट को ट्रैप करके रखता है और इंटीरियर ये गर्म रखता है वुडन फ्लोरिंग। और हिली एरिया में जो टिम्बर है, जो वुड है, वो इजीली अवेलेबल भी है और थोड़ा चीप भी है, तो इसीलिए वहाँ पे लोग इसको प्रीफर करते हैं वुडन फ्लोरिंग को। वुडन फ्लोरिंग के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये डैम प्रिवेंशन नहीं है, मतलब इसमें डैम्पिंग प्रूफ नहीं है। तो इसको हम डैम्पिंग हमें देखने को मिलती है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम नीचे उसके डीपीसी लेयर हम लगा सकते हैं फ्लोरिंग के नीचे। डीपीसी सिंपली मींस डैम्प प्रूफ कोर्स। तो अगर हमने डीपीसी लेयर लगा दिया तो वुडन फ्लोरिंग हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग्स में। तो डिफरेंट टाइप की वुडन फ्लोरिंग आती है, जैसे कि आप इस टाइप से वुडन फ्लोरिंग को यूज कर सकते हैं या फिर एक पूरी शीट लगा के वुडन फ्लोरिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस पर डिपेंड रहता है क्या चॉइस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है विनाइल फ्लोरिंग। ओके, विनाइल फ्लोरिंग सिंपली मींस पीवीसी जो फ्लोरिंग रहती है, पीवीसी शीट्स आती हैं, तो ये भी अब एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लोरिंग है क्योंकि इसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं पीवीसी शीट्स को, और उसके बाद जो भी हमारा नॉर्मल फ्लोरिंग है उसके ऊपर हम जस्ट इसको अप्लाई कर देते हैं, जैसे शीट, जैसे हम अपनी बुक्स पर कवर चढ़ाते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे फ्लोर पर हम एक और फ्लोरिंग इसको लगा रहे हैं और इसको हम विद हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एडहेसिव इसको हम चिपका देते हैं इसको। इसे ये थोड़ा सा चीप मेथड रहता है, जो भी हमें लुक चाहिए इसमें डिफरेंट पैटर्न है, जैसे कि इस इमेज में एक वुडन पैटर्न शो कर रहा है, कभी कभार विनाइल फ्लोरिंग में टाइल पैटर्न आता है, तो ये बस प्रिंटेड पैटर्न्स हैं। जो भी हमें एक लुक चाहिए किसी भी फ्लोरिंग को, तो और वो एक्चुअल में वो फ्लोरिंग हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो लुक चाहिए, तो हम विनाइल फ्लोरिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये भी वाटर प्रूफ रहता है, यानी वाटर रेजिस्टेंट फ्लोरिंग है, तो इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा इकोनॉमिकल सेक्शन में आता है ये काइंड ऑफ फ्लोरिंग। इसके बाद एस्फॉल्ट फ्लोरिंग है। एस्फॉल्ट जनरली जो टारकोल रहता है, जो भी हम एस्फॉल्ट के जो हम ब्लैक रोड देखते हैं, बस ये वही एस्फॉल्ट है। इसको हम किसी भी फ्लोरिंग के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और ये भी एक काइंड ऑफ डस्टलेस, जॉइंटलेस और एसिड प्रूफ फ्लोरिंग है, ठीक है। और ऑब्वियसली वाटर प्रूफ तो ये है ही, तो ये मटेरियल ही खुद में खुद वाटर प्रूफिंग है। और क्योंकि ये जस्ट एक सिंपल लिक्विड रहता है जिसको हम पोर कर देते हैं, और इसीलिए ये पूरा एक जॉइंटलेस मेथड रहता है। ये एक नॉन स्लिपरी है और नॉइस लेस फ्लोरिंग है। तो बहुत सारी जगह जहाँ पर वाटर से रिलेटेड वर्क होता है और हमें वाटर प्रूफ फ्लोरिंग चाहिए, तब वहाँ पे एस्फॉल्ट फ्लोरिंग को प्रीफर करते हैं। इसके बाद ग्लास फ्लोरिंग है। ग्लास फ्लोरिंग काफ़ी प्रीमियम सेक्शन की फ्लोरिंग है, काफ़ी एक्सपेंसिव फ्लोरिंग है, और जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड रहता है सिर्फ हम वहीं पर लगाते हैं, हर कहीं इस ग्लास फ्लोरिंग को नहीं लगाते हैं। तो टेम्पर्ड ग्लास एक काइंड ऑफ ग्लास रहता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसकी थिकनेस 12 mm से 30 mm वेरी कर पा रही है, तो वो हम ग्लास को यूज़ करते हैं। और क्योंकि एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लास को यूज़ करते हैं, तो इसके नीचे हम लाइटिंग लगा देते हैं, लाइट्स लग जाती हैं, तो जब लाइट्स ऑन होती हैं तो काफ़ी एक अच्छा लुक क्रिएट करता है ग्लास फ्लोरिंग में। तो लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली फ्लोरिंग है, तो जो लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं वो अपने घर में लगाते हैं, यानी घर का तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ऐसा कमर्शियल एरियाज में ज़्यादा लगाते हैं इसको, वो भी एक एस्थेटिक फैक्टर की वजह से। तो बस एक ग्लास फ्लोरिंग रहती है, हमें इतना पता होना चाहिए, और उसके डिफरेंट यूजेस हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है ये काइंड ऑफ फ्लोरिंग। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने पसंद किया होगा। आपके इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।